ठीक हो? मिक्स करेंगे। लो अपनी तारीफ है, नहीं रहे कहते हमने इतनी मेहनत। इब्राहिम से मिलने देखो कौन आ गया। वह नाश्ते में बॉयल एग और मैंने फीकी चाय ली थी और उसके बाद फिर मैं 2 बजे के टाइम पर फ्रूट्स लेती हूँ और साथ में मैं अपना कावा लेती हूँ। इसमें अदरक, पुदीना और दालचीनी और इसमें मैं ना ग्रीन टी का एक बैग भी डालती हूँ। ऐसे खाली ग्रीन टी नहीं पिया जाता, हनी भी है इसमें, चीनी नहीं है। ये रहा इनका खाना। बिस्मिल्लाह। आज कितनी ज्यादा वीक हो गई है ना, हल्का हल्का फीवर था और एक दो दिन बाद जो इसको तेज हुआ है ना, अभी भी ये सही से खाना नहीं खा रही। ट्यूशन का टाइम, इनके एग्जाम चल रहे हैं तो जैसे स्कूल से आए फौरन से ऐसे यूनिफॉर्म के साथ ही सो गए, खाना वाना खाए और सो गए। और बाकी घर पे बनाया आज चिकन और गोभी का सालन और ये रोटी और सालन सिर्फ इसके लिए मैंने मंगाया आयत के लिए। मेरा ये देखो साथ में ये खाना है। हाँ किचन से ले आए। हाँ 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 वो क्या को लग रहा है मैंने शायद बाहर की बात नहीं है, किचन से ही मंगवाए नीचे से। मुस्तफा उठो, ट्यूशन का टाइम हो गया आपके, उठो। बस अब थोड़ा सा एप्पल खाना है। पूछो नीता ने कहीं रखी है गाना। और ये देखो रोटी इसने कितना खाई है, सिर्फ इतनी सी, ये थोड़ी सी। देखो ये हो गई है मेरी आयत यहाँ पर तैयार। और इसको मैंने आज भी ट्यूशन के लिए नहीं भेजना था लेकिन जिद कर रही थी इतने दिन से नहीं गई कि मामा मुझे जाना है। पिक्चर मेरी। तस्वीर भी बनाऊं आपकी? 1 2 और पिक्चर बनाऊं? सीधा करो। चलो बन गया, बहुत सारी तस्वीरें आपकी ले ली। ठीक भी हो आप? चलो अच्छे से अपने बाल बना लिए, अच्छी लग रही है तैयबा। तो तैयबा बड़ी हो गई, अपने बाल बाल बना लेती है अच्छे। हाँ ठीक है, बाय बाय। मैंने निकाला है अपना ये वाला सूट जो कि रमजान के महीने में मैंने ये स्टिच कराए थे, एक ही दफा पहना था। और देखो नीचे हर कोई अपने बच्चों को बाहर लेकर निकला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है, खैर खैरियत से। अम्मी से बात हुई है, थोड़ा हिम्मत मिली है। अम्मी ने पता है मुझे मेरे घर से रिलेटेड क्या बोला है कि इतने सारे पैसे जो तुम्हारे इधर उधर वेस्ट हो रहे हैं, सोच रही हो कभी क्या बिजनेस कभी क्या, तो बेहतर है अपना घर बनवाना शुरू कर दो। और वो तूफानी बारिश वाला सीन भी उन्होंने देखा कि घर में पानी आ गया। इस घर का हमें नहीं पता था, घर लेकर बैठे थे, बाद में पता चला कि ऊपर सीन है कि पाइप बहुत ऊपर लगा हुआ है और जो हमारी छत है वो बहुत ज्यादा गहरी है। चलो यहाँ पर बैठ जाते हैं। तो छत जो है ना बहुत ज्यादा गहरी है, पानी जमा होता है तो फिर घर में आना शुरू हो जाता है। तो अम्मी ने वो सब देखा कि कुछ भी हो जाए बस अपना घर बनवाना शुरू करो, मुस्तफ़ा का घर बन जाएगा, घर बनवाना शुरू करो। तो बस अभी थोड़ी देर अम्मी से बातें हुई हैं, हिम्मत मिली है, ठीक हूँ, तैयार हुई हूँ। और बाकी इसके अलावा आज हम जाने वाले हैं कौसर के घर पे। कौसर कल रात से इनवाइट करके गई थी। 40 डेज का इब्राहिम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से। और हमारे यहाँ गांव में यही होता है। वैसे मैंने ये सब नहीं किया था जब मेरे बच्चे हुए थे, मैं अकेली थी, मुझे इन सारी चीज़ों का इतना पता नहीं था। अब पता चलना शुरू हुआ है कि जब 40 डेज गुजर जाते हैं, 40 दिन गुजर जाए, माँ बेटा बच्चा सब ठीक ठाक है, खैरियत है, तो 40 दिन के बाद कुछ ना कुछ बना के बांटा जाता है, पकाया जाता है घर में, वही सब है। तो चलो चलते हैं वहाँ पर। आज उसने इन्वाइट किया, वो हस्बैंड तो वहीं पर चले गए थे बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के बाद। अब 2 घंटे गुजर गए, मेरा टाइम ऐसे गुजर गया, कुछ अम्मी से बातें की, कुछ व्लॉग एडिट किया। और कुछ अजीब सा ना सा दिल भी था ना, काम करने का दिल नहीं कर रहा था, जैसे व्लॉग नहीं बनाने का दिल था। तो चलो चलते, अभी टाइम गुजर गया, बच्चों को ट्यूशन से लेते हैं। कोई बारिश वारिश नहीं है आज, बिल्कुल साफ है बादल। लाइट सब कुछ ऑफ कर लेते हैं, ये भी बंद कर लूँ। यहाँ से नोबिता भागता है हमारा, ये नोबिता की जगह। देखे के बाहर कौन सी खड़ी करके गए, छोटी ब्लैक वाली गाड़ी ले गए साजिद। आया था ये नीचे फर्श, ये वाली गाड़ी धोई थी, वो ब्लैक वाली भी धोई थी? नहीं, वो तो पहले लेके चले गए। ये भी आज वो मेरी ब्लैक वाली ले गए और इसने रमजान ने नीचे पूरा फर्श धो दिया। और इसके अलावा मैं आपको टमाटर दिखाऊं, यहाँ पर हमारे टमाटर कैसे लगे हुए, ये देखो इतने बड़े बड़े हो रहे हैं ना। अभी तो ये जब तेज बारिश हो रही थी ना, ओले गिरना इस पर शुरू हुए ना, तो 1-2 टमाटर इसके टूट के गिर भी गए थे। फिर इन गमलों को खींच के हमने किया इनके नीचे, तो ये बच गए टमाटर। अंधेरा हो रहा है, चले बच्चों को भी ट्यूशन से छुट्टी हो गई होगी, इंतजार में बैठे थे मैं लेने चलूं। आज तो ये गाड़ी चमक गई है सच में, जैसे नई आई हुई हो गाड़ी। दिन बाद मैंने सोचा आज मैं भी थोड़ा सा ना अपने पौधों को अपने हाथों से पानी लगा दूं, कि थोड़ा बहुत पानी इस पर लगा लो। ये देखो हमारी गाड़ी आज कैसे चमक रही है ना, आज हमारी किया स्पोर्टेज पूरी चमक गई है। चलो चलते हैं। आज जो है ना अपनी फ्रंट सीट पर हम बिठाएंगे अनीता को। अनीता जो है ना व्लॉग बड़ा अच्छा बनाती है। इतने दिन बाद ना फिर से मेरी ड्राइविंग क्या होती है कि रह जाती है, जब मेरे हस्बैंड निकलते हैं इधर उधर फिर मुझे गाड़ी अपनी याद आ जाती है कि आज मैंने चलाया।
कहीं पर मेरी जो प्यारी प्यारी गाड़ियां ना थोड़ा सा इतना सा निशान भी ना पड़े। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। किसका खुला है? अनीता तुम्हारी साइड का खुला है? क्या खुला है? गेट खुला है। पड़ गया क्या हुआ है कि पानी की बोतल साजिद ने बोला था घर पे बुन के पानी खत्म है कोसर के। अब नहीं पानी था फिर उन्होंने क्यों बोला पानी जा? यहाँ यहाँ कोई वो नहीं भरी। फिर चलो फिर चलते हैं, अभी का है तो फिर चलते हैं। हाँ, कल तो मैंने भर के देख लिया। बस अभी चलते हैं, अंधेरा हो गया। बड़ी भी बाइक है। तैयबायत नहीं, तैयबायत भी फ्री नहीं हुई? नहीं। उन दोनों को भेजो ना, हम जा रहे हैं। फ्री नहीं हुए। उनका कौन सा इतना काम है मुस्तफा? कुकी को बोलो इब्राहिम के घर जा रहे हैं। जो नहीं नहीं भाई, हम कुकीज खाएंगे। कुकीज खा लेना ना, अभी आयत को भेज दो। आयत ही तो बेक कर रही है। तो अब ये लड़कियां जो है ना बेकिंग सीख रही हैं और यहाँ पर लेट हो रहा है। आपके पापा के दो बार फोन आ चुके हैं कि जल्दी आओ, लेट हो गया है। टीचर कह रही है मैं खुद ही ड्रॉप कर दूंगी जब आप लोग घर आ जाएंगे। उनकी वीडियो बनाने के पूछना है मैंने, आना है कि नहीं आना उन्होंने। गुड जॉब, जबरदस्त। आयत क्या बना रही है? नहीं फोन नहीं आ रहे, जब वो आएंगे ना मैं उनके साथ ही आ जाऊंगा। ठीक है फिर हम जा रहे हैं। जितना मैंने बोला कहते नहीं आना नहीं आना, आज इतना ज्यादा कोई उनको खुशी है, अपनी कुकीज बेक कर रहे हैं। कैसी गाड़ी कैसे ड्राइव की रमजान? बहुत अच्छी ड्राइव की आपने। अब मुझे डर नहीं लगता। अब नहीं लगता ना? इसका मतलब शुरू में तुम डर ही थी है ना? ये तो मैं हमेशा आते ये ब्लैक गाड़ी के पास लगा। अच्छा ब्लैक गाड़ी तो अपनी ही खड़ी है ना, कह रहे ब्लैक गाड़ी के पास लगा लो। यहाँ में बड़ा अच्छा लगता है यहाँ का। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत? ठीक, सब ठीक है। आप सुना, बच्चे नहीं है? कोई नहीं है, कोई भी नहीं आया, नहीं आ रहे थे। अब मैं क्या करूँ, जबरदस्ती ले आती। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? कैसी तबीयत है? ठीक है। मुन्ना ठीक है? हाँ, मैंने कहा आज खैर खैरियत से 40 दिन गुजर गए, जाएं देखें क्या क्या पकाया हुआ है। बिरयानी बना ली? बिरयानी? हाँ। अच्छा अभी मीठा बन रहा है यहाँ पर? हाँ। मीठे की तैयारी अभी हो रही है। मुस्तफा तैयबा उधर ट्यूशन बैठे थे, जितना बोला वहाँ पर ना कोई वो कुकीज बना रहे, बिस्किट बना रहे ना, तो आयत भी उधर है। मुस्तफा तैयबा आयत भी उधर है, जितना बोला उधर इब्राहिम के पास मिलने जा रहे, वो पता नहीं कोई कुकीज बना रहे, आ ही नहीं रहे। बाकी घर सारा ठीक ठाक है, साफ सुथरा पड़ा हुआ है। लाइटिंग थोड़ा सा जब यहाँ पर आओ ना थोड़ी कम लगती है, यहाँ पर लाइटिंग वैसे लगाओ, एक आधी ट्यूबलाइट यहाँ पर लगा दो तो थोड़ा लाइटिंग बढ़ जाएगी। इस रूम में तो कोई नहीं है, तो खाली का खाली है। इब्राहिम हमारा सो रहा है। नफारा लग रहा है मेरा बच्चा। चलो इसको सोने देते हैं, चिढ़ जाएगा, उठा दो। पता नहीं कौन से पहले लाया था, वो कह रहे थे बड़े हैं। मैंने बोला साइज तो यही होता है, एक नंबर से शुरू होता है। ये अच्छे हैं डायपर, उस वाले से ये वाले अच्छे हैं जो पहले लिए थे? नहीं वो भी अच्छे थे, ये भी अच्छे हैं, दोनों प्राइस दोनों सेम है। नहीं वही मैं ये सारी चीजें देख रही थी, छोटी छोटी चीजें, फीडर हर एक चीज साथ में, इसकी दवाइयाँ सारा कुछ साथ में रखना पड़ता है बच्चे के। यहाँ पे भी लाइट कम है ना, लाइट कम है यहाँ पर, लाइट वैसे होनी चाहिए, काला बल्ब कोई लगाओ। मैंने बिरयानी बनाई है, सिर्फ कलर नहीं था मेरे पास, बाकी सब चीज ओके है। कलर के बगैर कलर वाली बिरयानी बनाई है। जब मैंने रोटी चावल सारा कुछ छोड़ा हुआ है, आज बिरयानी मुझे मतलब खानी पड़ेगी। चलो खाते हैं, चलो मजे की होगी तो खाऊंगी। वैसे मैंने इतने दिन से कंट्रोल किया हुआ था। हाँ कोई काम हो तो हमें बता दो, हम मिलजुल के, अनीता भी साथ आ गई, कर देंगे। रायता बनाना है? चलो अनीता ले आओ पुदीना, बैठते हैं वहाँ पर। 3 बजे उठते हैं, 7 बजे सोते हैं। अच्छा सोने का उसका टाइम था यही वाला? दिन में दोपहर के 3 बजे उठता है और इस टाइम सोता है फिर? ये तो माँ को पता होता है कि बच्चे की कौन सी जागने की रूटीन और कौन सी सोने की। तो चलो दही भी है, पुदीना ये पड़ा है साथ में, हम मैं और अनीता मिल के रायता बनाते हैं। तो धनिया इसमें थोड़ा सा जाएगा, ये बिरयानी का मसाला बच गया है जो उस दिन बनाई थी। हाँ रमजान के महीने में जब हम आए थे ना रोजा अफ्तार करने। धनिया बाहर से यहाँ से थोड़ा जो बाहर लगा हुआ है, बाहर फ्रेश धनिया मजे ना, बाहर धनिया भी लगा। और बाकी सब्जियों का क्या हाल हुआ जो तेज बारिश हुई थी? सब्जियां तबाह हो गई हैं। हाँ इतनी तो कोई तेज बारिश हुई थी, तूफानी बारिश थी। छोटे छोटे बच्चे
तो अगर बनानी बिरयानी थी तो रंग ले आते, रंग से पता चलता है बिरयानी कैसे, तो वो लग रहा होगा जैसे चिकन पुलाव बनाया है। हाँ, ऐसा लग रहा है बनाया चिकन पुलाव या बिरयानी का, तो बिरयानी का है। अच्छा, तो बच्चे आते तो आ ही रहे, कहते हमने इतनी मेहनत से वो आटा गूंदा है कुकीज का, वो सारा कुछ हम बेक करने के लिए बैठे हैं। तो तैयबा तो बाहर भी नहीं है। वो काली मिर्ची और जीरा भी ले, और रमजान और जीरा भी आ गया। बस दो तीन हरी मिर्ची डालिए, कुछ काली मिर्ची डालिए और जीरा डाला है, और ये जो है ना हमारा पेस्ट हो गया तैयार। अब इसमें सिर्फ नमक जाएगा, एक नमक डालना पड़ेगा। इस साइड पर तो माशाल्लाह से सूजी तैयार हो भी गई है। रमजान के महीने में आए थे और उसके बाद आज दोबारा से दस्तरखान यहाँ पर लगा। चलो मैं तो बैठ रही हूँ मैं बैठ रही हूँ बस पानी वानी भर के लाओ। मैं दस्तरखान लगा के लिए बहुत है, मैंने बहुत काम कर दिया। अब आपने पकाया, अब ले आओ, हम बैठेंगे खाएंगे बस। पतीला लाएंगे आओ, दस्तरखान लगा कर खाना मेरे लिए ले आओ बस। अब मैं नहीं उठने वाली, मैंने कहा आज मैं नहीं उठ रही, आज मैं दस्तरखान लगा के बैठ रही हूँ। देखो शाबाश, ऐसे रमजान काम करते हैं भाग भाग के। अनीता तुम एक गिलास उठाने के लिए गई थी, एक गिलास उठाने के लिए गई है, मुझे पकड़ा दो। अच्छा, ओहो मुन्ना उठ गया, मुन्ने को जरा देखिए। हाँ हाँ उठ गया, आए आपसे मिलने। मम्मा का मुन्ना, छोटा बच्चा मेरा, छोटा मुन्ना है मेरा, कौन आया मिलने? इब्राहिम से मिलने। देखो कौन आ गया मम्मा। क्या बनाए मम्मा के लिए आज, क्या बनाए? ये बिरयानी का देगचा आपने बनाया मम्मा के लिए? हाँ बिरयानी का देगचा आपने बनाया? पापा से सीख रहे हो, कुकिंग सीख रहे हो पापा से? आज टाइम पे कैसे उठ गया कि खाना लग गया तो मैं आ जाऊँ। मेरा बच्चा है ये, मेरा छोटा भी, ये लग पुलाव रहा है। वैसे बिरयानी की खुशबू, बिरयानी की खुशबू आ रही है। जी का हलवा बन के आ गया और ये बिरयानी साथ में बन के आ गई। खुशबू वैसे अच्छी आ रही है, अच्छी बनी है, टेस्ट किया। अच्छा अच्छा, फिर अच्छी बनी। बाहर वॉक करते हैं, जगह भी खोल लिए, खाना थोड़ा सा खा के ना बाहर चलते हैं, फिर वॉक करते हैं, मिला करते हैं और खाना शुरू करते हैं। अच्छी बनी है। बच्चों ने हमारी ये वाली पार्टी जो है ना मिस कर दी, सारे तो वरना ले आते ना। मुस्तफ़ा की तो फेवरेट बनी हुई है बिरयानी। वैसे कलर तो आज था नहीं, थोड़ा सा अगर इसमें कलर डाल दो ना ये और ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे हलवा पूड़ी होता है ना वैसा लगेगा। फिर बिरयानी बहुत मज़े की लगी है और ये अभी खा रही है बताती हूँ। कौशल ने पहले भी बनाया था सूजी का हलवा, बहुत मज़े का बना था। और आप लोगों को ये बहुत कर दिए प्लेट, आप तीसरी ले रहा हूँ। वो प्लेट तो वैसे भी खाली पड़ी थी। मैंने ये खाली देखी। हाँ ये तीसरी खा रहा हूँ, बहुत अच्छी बनी। ऊपर 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 से तारीफ कर रहे हो या बाकी? नहीं नहीं, अच्छी बनी। मैं जो इतने दिन से खाना नहीं खा रही थी आज मैंने बिरयानी भी खा ली, बहुत मजे की बनी थी। हलवा भी बहुत अच्छा बना। हलवे को छोड़ो, बिरयानी की तारीफ देख लो, अपनी तारीफ है अगर अगर अच्छी ना होती तो मैं तीसरी प्लेट कैसे खाऊं। चलो साथ में भी ले जाना ये बची हुई है। साथ में ले सारी दाल रहेगा। बस इसमें कौशल अभी अगली दफा ना थोड़ा सा रंग। हाँ मैंने बाजी कौशल को बोला यार। पर हम सब ने खाना खाया, खाना बहुत मजे का, बहुत अच्छा बना हुआ था। अब ड्यूटी मिली है रमजान को हमारी चाय बनाने की, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारी बन रही है चाय, जब तक हम वॉक करने जा रहे हैं। ठीक है, हम करने जा रहे हैं वॉक, मैं कौशल और मेरे हस्बैंड, और हमारे साथ इब्राहिम जा रहा है। हम वॉक करते हैं, जब वापस आएंगे तब तक हमारी चाय भी बन जाएगी। अब देखो ना चांद भी नजर आ गया वो सामने। अब हम जहाँ पे भी जाएंगे इसको अब लेके जा सकते हैं ना, कहते हैं ना 40 दिन तक बाहर नहीं निकालो। अब जा सकते हैं। अब कौशल भी, मैं भी मैं कह रही हूँ मैं तो हमेशा निकलती हूँ। कौशल और इब्राहिम बाहर जा सकते हैं हमारे, जैसा 6:30 जैसे ट्यूशन पढ़ लिया करेंगे ना तब लेके आ जाया करें। अब कल से मैं यही करूंगी, ये वाला रोड बहुत बड़ा है यहाँ पर जो ना खुला खुला ना ये भी हो सकती है। ठंडी ठंडी हवाएं भी हैं यहाँ। हाँ ठंडी हवा चली हुई, इतना बन गई चाय। हाँ रमजान आते जाते हम देख रहे थे तुम्हें यहाँ से देख रहे थे तुम। उसने चाय बनाई, मैंने सारे बर्तन धो लिए, आपस में लड़ाई कर रहे थे। नहीं नहीं बाजी कौशल के घर में हमने लड़ाई नहीं की। मेरे घर पे करते हो ना लड़ाई, फिर यहीं पे रहो, फिर इधर ही रहो। हाँ ठीक है। नहीं नहीं वहाँ भी नहीं करते। इसको अंदर सुना कौशल, अंदर सुना ले आओ, नहीं ले आओ। सो गया ये रास्ते में, सो गया था, वॉक करती रही तो ये सो गए, झूले लेता रहा और बस। अब रमजान के हाथों की गर्मा गर्म हम पिएंगे चाय, उसके बाद चलना है फिर घर पर। अपने चाय बना ली। हाँ चाय बन चुकी। आयो
ये पी लिए हमने चाय, अभी हमें हो रहा है लेट। ये मैं लेकर जा रही हूँ बड़ी वाली गाड़ी, ठीक है? बड़ी ले जाऊँ छोटी ले जाऊँ? बड़ी ले जाऊँ। चलो ठीक है फिर कौसर, कोशिश करूंगी शाम के टाइम ना आने के लिए। कौसर भी कह रही है कि शाम को आ जाए करो, एक साथ वॉक कर लिया करेंगे। चलो अब हम यहाँ से चलते हैं अपने घर की तरफ, और यहाँ से सीधा हम जाएंगे बच्चों को ट्यूशन से लेंगे। तैयबा आयत कब से वहीं पर है, मुस्तफ़ा भी वहीं पर है। ये देखो ये वाली गाड़ी लाए थे मेरे हस्बैंड और हम लेकर जा रहे हैं ये बड़ी वाली। जिस गाड़ी पर आए थे हम तो अपनी उसी गाड़ी पर जा रहे हैं। और यहाँ से देखो चांद कितना प्यारा लग रहा है, अब बिल्कुल साफ और क्लियर दिख रहा है। इतना कोई प्यारा लग रहा है ना अच्छा। मैं सूजी भी लेके जा रही हूँ और बिरयानी भी ले आई। चलो आ जाओ फिर बैठो। रमजान कहाँ गया, अंदर है अभी भी? रमजान रुक गया, कब से हॉर्न दिए जा रही हूँ। इतनी देर लगा रहे थे तो ये हम जब रास्ते में जाएंगे तो अच्छा मजदूरों को देंगे। चलो ठीक है, वो बैठो। हो गया सब? हाँ सारा हो गया। चलो ठीक है फिर, अब सुबह हो गए बच्चों के लिए। चलो ठीक है, ओके बाय 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 बाय। अब किसका गेट खुला हुआ है? गाड़ी भी आज मजाक बना दी है। हम जा रहे हैं, अब सो जाओ। ओके। वैसे भी साजिद भी सो जाएगा अभी। हाँ, अभी तो टाइम सोने का ही हो रहा है। गुड नाइट। वो कह रही थी वो खुद आएगी छोड़ने, टीचर आएगी खुद आएगी। साजिद को फोन करो, अगर वो छोड़ने आ रही है तो फिर हम वहाँ पहुंचे और वो ऐसा होके वो छोड़ने आ जाए। आओ बच्चों अब आ गए। सो गई थी क्या ये? हाँ जी सो गई मेरा बच्चा। ये आपकी? ये क्या हुआ? नींद आ गई थी। रास्ता पूरा साफ है, आगे कुछ और खबर होगी तो आप इन्फॉर्म कर दूंगा। कर देना इन्फॉर्म, अभी पीछे जाओ अंदर, जल्दी करो जल्दी करो। ठीक है, बना के आ गई कुकीज आपके लिए, बिरयानी लेकर आए। वहाँ पर बिरयानी बनी थी और इस वजह से बनाई भी आपके पापा ने बिरयानी। ना अच्छा, पापा किधर है? पापा वहीं पे हैं अभी। हम पहुंच गए अपने घर पर और ये गेट खुलेगा तो आज गाड़ी आज अंदर लगानी है। रोज ये वाली गाड़ी हमारी बाहर होती है, पार्किंग लगानी है। टेढ़ी मेढ़ी सही है लेकिन चलो अंदर तो लगा ही लूंगी। सही आ रही है? सही है बताना। बस बस और बस। हाँ मेरे बच्चे ने आज बेकिंग की है ऊपर। असल में हमारी जो छत है ना उसका जो पाइप है वो थोड़ा ऊपर है और गहरी है छत, तो वहाँ से पानी पाइप से निकलने की वजह से घर अंदर आ रहा था। कपड़े तो देखो अपने हाउस में आ गए है ना। और तो कुछ नहीं, बस बनाना खाने का दिल कर रहा था। ये हार्ट वाली कुकी बनाई? वाह, ये आपने बनाया था? देखो ये मुस्तफ़ा ने बनाया, ये आयत ने बनाया। ये मैम के। अच्छा आयत ने नहीं बनाया, ठीक है। बहुत मजे के बनाए, होममेड जीरा प्लस। अनीता आज इधर से लेकर इस साइड से जो साथ में, ये बहुत ज्यादा ये एंटीबायोटिक जो पॉड है बहुत कड़वी होती है। भाई मामा मैंने ये पी थी और 3 दिन मेरे मुंह में इसका टेस्ट था। ये पिलाने का बस यही तरीका है कि साथ में हनी का चम्मच होता है। ये ऊपर करो, मुंह पर करो, जल्दी पियो जल्दी पियो जल्दी। ओह माय गॉड, पियो 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 पियो। हो गया रिएक्शन, हो गया रिएक्शन। पानी उल्टी नहीं करना है, उल्टी भी करना इधर बाहर। आपको ये मीठी दवाई पिलाऊंगी, मीठी। उल्टी नहीं करनी है आपने, ये मीठी दवाई है। हौसला रखो, हौसला। पिंक पिंक ये अच्छी है, ये अच्छी है। देखें पीली, गुड गर्ल, ये अच्छी थी। आज मुस्तफा अपने बहनों को भी ले आ जाओ। तैयबा इसको देखो कि ये सो कैसे रहा है, ये इसके सोने का स्टाइल है। जैसे छोटा बच्चा नहीं सोता वैसा सो रहा है, टांगे ऐसे अपनी फैला के। और देखो मैं आ गई हूँ वापस अपनी बैल्कनी में जहाँ से हमने अपना व्लॉग शुरू किया था, वहीं आ गई हूँ। सुकून मिलता है, अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। टाइम पर ना ज़्यादा ठंडक भी होती ना तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर खुले आसमान के नीचे। तो इसी के साथ आज का व्लॉग मैं इधर ही करती हूँ एंड। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।